मायापुरी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं छवि। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। सुभाष कपूर की फिल्म को हां कहकर फंस गए आमिर खान। आमिर खान ने जब से इस बात का ऐलान किया है कि वो मी टू आरोपी डायरेक्टर सुभाष कपूर की अगली फिल्म मोगल करने वाले हैं, तब से लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। आमिर खान ने कहा था कि मेरे ऐलान के बाद सुभाष कपूर को काम ही नहीं मिल रहा था और इसकी वजह से मैं रातों को सो नहीं पा रहा था, यही कारण है कि मैंने ये फैसला लिया है। आमिर खान के फैसले पर हाल में तनुश्री दत्ता ने कहा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में किसी को भी तब नींद क्यों नहीं आती है जब किसी महिला के साथ कुछ बुरा होता है और उसके कारण वो काम नहीं कर पाती है। तनुश्री दत्ता ने आमिर खान से पूछा, अगर वो इस इंसान के साथ काम करने के लिए तैयार हो गए हैं तो वो इस महिला के साथ काम क्यों नहीं कर रहे हैं जिसके साथ गलत हुआ है। हाई स्लिट ड्रेस में मानुषी छिल्लर का ग्लैमरस लुक। पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर की तस्वीरें हर बार की तरह इस बार भी बेहद खूबसूरत हैं। थाई हाई स्लिट रेड ड्रेस में मानुषी गॉर्जियस नजर आई। मानुषी के स्टाइलिस्ट शिफा गिलानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मानुषी की तस्वीर शेयर की है। सिंगापुर में आयोजित एक चैरिटी गाला में शिरकत करने पहुंची मानुषी ने रेड ड्रेस में खूब वाहवाही बटोरी। उन्होंने इस रेड ड्रेस के साथ गोल्ड स्ट्रैप्ड हील्स और सिंपल एक्सेसरीज कैरी की थी। सिर्फ स्टार किड्स ही नहीं, इन एक्ट्रेस को भी दे चुके हैं करण जौहर मौका। करण जौहर ने भले ही कई स्टार किड्स को मौके दिए हों, लेकिन फिल्मों के बिजनेसमैन के तौर पर वो भी समझते हैं कि लोग उन्हीं स्टार्स को देखना पसंद करेंगे जिनमें टैलेंट होगा। करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर में वरुण धवन और आलिया भट्ट को लॉन्च किया था, लेकिन इसके साथ ही सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। सिद्धार्थ का कोई फिल्मी कनेक्शन नहीं है, वो दिल्ली के रहने वाले हैं और उन्होंने करण जौहर की ही फिल्म माय नेम इज खान में असिस्टेंट डायरेक्टर की भूमिका निभाई थी। इसके बाद उन्हें स्टूडेंट ऑफ द ईयर में डेब्यू करने का मौका मिला था। करण जौहर की फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में आलिया भट्ट और वरुण धवन के साथ नजर आ चुके सिद्धार्थ एक लोकप्रिय टीवी एक्टर रह चुके हैं। ये सिद्धार्थ की पहली फिल्म थी और आलिया और वरुण जैसे लोकप्रिय सितारों के बीच भी वो अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे। तारा सुतारिया इसी साल करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में टाइगर श्रॉफ और अनन्या पांडे के साथ नजर आईं। इस फिल्म के साथ ही चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे ने भी अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन तारा ने भी अपनी एक्टिंग से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। करण जौहर की लिस्ट में एक नया नाम शामिल हुआ है। टीवी सीरियल पोरस में दिखने वाले एक्टर लक्ष्य को करण ने दोस्ताना 2 के साथ लॉन्च करने का फैसला किया है। करण इसके अलावा ये भी कह चुके हैं कि उन्होंने पिछले कुछ समय में कई ऐसे डायरेक्टर्स को भी लॉन्च किया है जो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा की तस्वीरों ने चढ़ाया सोशल मीडिया का पारा। एक्टर सोनाक्षी सिन्हा बहुत जल्द दबंग 3 में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में वो बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के अपोजिट दिखाई देंगी। हाल ही में मेकर्स ने इस फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज किया था। इसके एक दिन बाद ही सोनाक्षी सिन्हा ने अपना बेहद हॉट फोटोशूट सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। सोनाक्षी सिन्हा की फोटोज वायरल हो रही हैं। सोनाक्षी सिन्हा ब्लैक कलर की ड्रेस में बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने इस फोटोशूट के लिए बेहद सेक्सी अंदाज में एक से बढ़कर एक पोज देते हुए तस्वीरें खिंचवाई हैं। फिल्म पासे प्यार और फासे फरार का नया गाना हुआ रिलीज। फिल्म पासे प्यार फासे फरार अपनी कहानी को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। हाल ही में इस फिल्म का फर्स्ट लुक सामने आया था जिसमें जिमी शेरगिल लीड रोल में दिखाई दिए थे। फासे प्यार फासे फरार फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये फिल्म 18 अक्टूबर को रिलीज हो जाएगी। इससे पहले मेकर्स ने इस फिल्म का नया गाना इश्क तेरी जात क्या है रिलीज किया था। अनु मलिक की इंडियन आइडल में वापसी पर सोनम महापात्रा ने मचाया हंगामा। सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक पर मी टू अभियान के चलते कई महिला सिंगरों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसी के बाद अनु मलिक को सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल के जज की कुर्सी भी छोड़नी पड़ी थी। अब खबर है कि इस बार फिर चैनल ने अनु मलिक को जज की कुर्सी पर बैठाने का फैसला लिया है। जैसे ही ये खबर सामने आई, सिंगर सोना महापात्रा ने अपना गुस्सा इस शो को प्रसारित करने वाले चैनल और म्यूजिक डायरेक्टर विशाल ददलानी पर निकाला है। पिछले साल हुए मी टू अभियान के तहत विशाल ददलानी ने सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि इतनी महिलाओं के साथ हुई घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई स्टैंड नहीं ले रही है।
सोना महापात्रा ने विशाल ददलानी के उसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है, क्योंकि आप भारतीय महिलाओं के दर्द को समझते हैं और उसकी परवाह करते हैं, आपको एक सही कदम उठाना चाहिए। कई महिलाओं ने अनु मलिक द्वारा उनके साथ हुए यौन शोषण की घटनाएं सामने रखी हैं। कोई भी धनराशि या प्रसिद्धि इसकी कीमत नहीं चुका सकती। वहीं सोना ने चैनल को लताड़ लगाते हुए कहा, ये पक्की खबर है कि चैनल ने अनु मलिक के साथ शो का प्रोमो शूट किया है, जिसके खिलाफ कई महिलाओं ने मीटू अभियान चलाया था। इससे साफ है कि ये चैनल यौन शोषण करने वाले लोगों का समर्थन करता है। #MeToo को एक्ट्रेस ने बताया पब्लिसिटी स्टंट। टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस चाहत खन्ना जल्द बॉलीवुड में वापसी करने जा रही हैं। चाहत फिल्म प्रस्थानम में नजर आएंगी। जब उनसे पूछा गया कि #MeToo आंदोलन के समय पर उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा, तो चाहत ने खुलासा किया, बहुत से लोगों ने चेक लिए थे और अपने मुंह बंद रखे। ये किसी फैशन ट्रेंड के जैसा है, जो पैसा बना सका उनसे बना लिया, जो नहीं बना सका वो ऐसे ही रह गया। उन्होंने आगे कहा, मैं ऐसी बहुत सी एक्ट्रेसेस को जानती हूँ जिन्होंने कुछ ना बोलने का फैसला किया, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत से एक्ट्रेस थे जिनके नाम सामने आने चाहिए थे पर नहीं आए। अगर आपको परेशानी हो रही है तो फिर मी टू जैसे प्लेटफॉर्म का इंतजार क्यों करना। चाहत ने अपने डिवोर्स का उदाहरण देते हुए आगे कहा, जैसे मैं अपनी शादी तोड़ना चाहती थी और मैंने तोड़ दी, मैंने किसी मी टू डिवोर्स जैसे कैंपेन या प्लेटफॉर्म के आने का इंतजार नहीं किया जहां मैं बोल सकूं मी टू डिवोर्स्ड। मायापुरी न्यूज में इतना ही, कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट।